आज आलू गोभी और मटर की सब्जी बनाएंगे। ये है मटर, तो सभी को अच्छी तरह में पानी बॉयल करने को रख दिए हैं, गोभी डाल दिए हैं पानी में, अब डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज प्याज साफ कर लेते, क्योंकि ऊपर प्याज रखी है, खाली कमरे ऊपर था, तो इतनी सारी प्याज मैं खरीद के रख ली थी, फिर उसके बाद देखिए पूरी प्याज जम सी गई थी, तो सभी का इसका हरा हरा भाग हटा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्याज हम रख लिए थे, और देखिए कितना सारा कचरा निकाला। तो सभी प्याज का अच्छे से साफ किया है, उसके बाद सभी को साफ कर रही थी अच्छे से, क्योंकि नीचे दाग भी लग जा रहे हैं, क्योंकि आप प्याज इकट्ठा खरीद लेते हैं तो सही में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती। मैं इकट्ठा बहुत सारा खरीद ली थी, जिसके कारण प्याज पूरी हमारी जम सी गई थी। तो उसके बाद प्याज की पूरे छिलके छिलके निकाल के अलग करी थी अच्छे अच्छे प्याज, और ख़राब ख़राब प्याज अलग कर रही थी, क्योंकि प्याज मैं बहुत ही ज़्यादा ले ली थी। उसके बाद प्याज साफ़ करने के बाद आ गई थी जाला साफ़ करने के लिए यहाँ, क्योंकि ऊपर हमारे यहाँ कोई भी नहीं रहता है, पूरे कमरे खाली हैं तो जाले लग जाते हैं, और तो इसलिए पूरे जाले को अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी, क्योंकि इस समय फिर दिवाली का भी टाइम आने वाला था, इसके कारण मुझे पूरी अच्छे से सफाई करनी पड़ी चारों साइड, क्योंकि जाले बहुत लग जाते हैं यहाँ, मकड़ियाँ इतनी ज़्यादा है कि चारों साइड कोने कोने में पूरे साइड लग जाता है, और यहाँ यूज भी नहीं होता है कि डेली साफ़ हो कमरे, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी 6 महीने में ऊपर आके हम लोग जाला वाला साफ़ करते हैं, पोछा तो पूरे लग जाता है बट जाला कभी कभार साफ़ होता है। तो इतना काम रूटीन इतना बिजी हो जाता है आजकल की लाइफ में, बहुत ज़्यादा काम रहता है, आप नीचे का भी करो खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन, और इतने में ही बच जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर ऊपर भी रहता है। तो घर तो बड़ा बनवा लेते हैं, ऐसा नहीं है घर आप ऊपर बनवा लो, लेकिन बट आप किराए से नहीं दिए हो, पूरा घर आपको साफ़ करने में बहुत पूरा सुबह से शाम तक का टाइम लग जाता है, और मुझे ऊपर से पूरे सबसे ऊपर वाली छत से लेकर नीचे तक पूरा अच्छे से साफ, पूरी दीवार साफ, इसके बाद मुझे धोना भी था, तो बहुत ही ज़्यादा काम पड़ जाता है। तो ये है घर तो बनवा लेते बट किराए से ना दो, तो फिर आपको अकेले बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, चारों साइड दीवार साफ़ करना, मकड़ियों का ध्यान रखना, पूरी सीढ़ियाँ साफ़ करना, टाइल साफ़ करना, बहुत ही प्रॉब्लम जाती है। तो चलिए उसके बाद फ्री हो गई थी। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज बनाते हैं आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। तो विंटर का टाइम आ गया है, तो मटर आने लगे हैं, तो आज आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। ये है मटर, तो सभी को अच्छी तरह से छील लेते हैं, और लहसुन और प्याज को मैं काट के रख ली हूँ, और जल्दी से मटर भी छील लेती हूँ। ताज़ा आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि खाने की तो बड़ी इच्छा होती है कि पूरी पराठा बना लें, लेकिन देखते हैं क्या बनता है, रोटी बनती है कि पूरी पराठा बनता है, देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो ये देखिए मटर इतना छील लिए हैं, मटर थोड़ी और छील लेते हैं, क्योंकि मटर बहुत ही अच्छा लगता है आलू गोभी की सब्ज़ी में, तो मैं इसकी सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी और बताऊंगी, देखना मैं कैसे बनाती हूँ इसकी सूखी सब्ज़ी, तो सूखी बनाऊंगी मस्त, तो इसीलिए मटर को थोड़ी से ज़्यादा से छील ले रही हूँ। तो ये देखिए मटर हमारा छिल चुका है, चलिए अब गोभी काट लेते हैं बड़े बड़े, अब जाके इनको पानी में अच्छी तरह से उबाल लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी कल कीड़े उड़े होंगे सभी मर जाएंगे, तो नमक डाल के इनको सभी गोभी को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। अब चलते हैं एक आलू काट लेते हैं, मिर्ची भी डालते हैं इसमें, अच्छी लगेगी मिर्ची, मूवी भी अच्छी चल रही, जाने की इच्छा तो नहीं हो रही है बट जाते हैं, गोभी बड़ी मीठी मीठी है, थोड़ी सी और काट लेते हैं। कुछ कुछ सब्जियाँ अच्छी लगती हैं कभी कभार, हमारे इनको गोभी बहुत पसंद है, इनको डेली गोभी मिल जाए तो ये डेली गोभी खाएंगे, बट मुझे नहीं पसंद है, इनके लिए पसंद है इनको पर, और इनको सब्ज़ी बदल बदल के चाहिए, ऐसी भी नहीं है जो सब्ज़ी सबसे ज़्यादा महंगी होगी वो ज़रूर खाएंगे, एक तो इनकी आदत है। तो चलिए चलते हैं, अब इनको पानी बॉयल करते हैं, उसी में गोभी को सभी को अच्छी तरह से डाल देते हैं, तो जब तक पानी बॉयल होगा तो हम आलू को काट लेते हैं। अब इस और पानी जब बॉईल करते हैं तो गोभी हल्की थोड़ी बहुत पक जाती है, उसी में पक जाती है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से जब सब्जी बनाएंगे तो आपको। चलिए फ्रेंड्स, सब कुछ हो गया है, जल्दी से मिर्ची लाने, मिर्ची को काट लेते हैं, और गोभी डाल देते हैं पानी में, पानी बॉयल करने को रख दिए हैं, गोभी डाल दिए हैं पानी में, और डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्या है नमक कीड़ों को निकालने में मदद करता है, और बहुत जल्दी उबल जाता है।
थोड़ा सा हमने डाल दिया है नमक पानी में, तो ये बॉईल हो रहा है जब तक हम मिर्ची लेके आते हैं। तो जल्दी से काट लेते हैं मिर्ची। मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार काटिएगा, जितनी आपको मिर्ची पसंद हो, ज़्यादा नहीं, मैं 4 मिर्ची काटती हूँ गिन के, अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें, ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैं 4 डाल रही हूँ। और हरी मिर्ची का स्वाद अलग ही आता है और रेड मिर्ची का स्वाद अलग ही आता है। ये हमने 4 मिर्ची काट ली है। चलिए लाते हैं अब आलू। फिर आ गई थी देखिए गोभी की सब्जी बनाने के लिए, सरसों का ऑयल में डाली है, ये राई जीरा, फिर लहसुन डाला है, उसके बाद हमने हरी मिर्च डाल दी है 4, क्योंकि हरी मिर्च मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, थोड़ी तीखी रही जब बट मिर्ची तीखी नहीं थी। उसके बाद प्याज डाल के अच्छे से भून लिया था, फिर उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिया था और गोभी को क्या किया था तो हल्का सा बॉयल कर लिया था हमने, क्योंकि गोभी थोड़ी बॉयल हो जाती थी, देखिए वाइट वाइट हो रहती है तो अच्छा लगता है, और कीड़े मकोड़े जो भी होता है तो वो मर जाते हैं, ऊपर तैरने लगते हैं। उसके बाद आलू हमारा तल गया था तो गोभी को एक एक करके अच्छी तरह से डाल रहे थे, फिर गोभी को थोड़ा सा फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद इसमें हमने हल्दी मसाला, धनिया मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, और थोड़ी सा सांभर मसाला, और उसके बाद देगी मिर्च डाल दिया था, मतलब देगी मिर्च मतलब लाल मिर्च डाल दिया था। उसके बाद देखिए हमने फ्राई कर लिया था, उसके बाद डाल दिया इसमें मटर, क्योंकि विंटर का टाइम चल रहा तो मटर आने लगे हैं। तो ये देखिए सब्जी हमारी अच्छी तरह से तल गई है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसमें हमने डाला था टमाटर, क्योंकि टमाटर के बिना तो सब्जी मुझे अधूरी लगती है, क्योंकि जब तक टमाटर ना हो तो सब्जी में तो मज़ा ही नहीं आता, थोड़ा सा खट्टापन होना चाहिए कोई भी सब्जी हो, इसलिए उसके बाद हमने नमक डाल दिया था और सब्जी को अच्छे तरह तल लिया था। तो देखिए आप लोग कैसे बनाते हो गोभी आलू की, ये देखिए सब्जी बन के कम्प्लीट हो गई, धनिया पत्ती भी डाल दी है और धनिया उसको मैं पलट डाल दिया प्लेट में, इसको हमने एक कटोरे में निकाल के डाल देते हैं, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो धो लें, चाहे आटा खराब हो जाएगी, तो सब्जी धीरे धीरे पलटने लगे। और आप लोग को ब्लॉग कैसा लगता है, पसंद आया हमने रख दिया है, आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा हमारे लिए, तो आपको ब्लॉग अच्छे अच्छे लाती रहूँगी, और मेरी सब्जी कैसी लगी आप सभी को ये भी बताइएगा। तो ये देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है, कैसी लगी कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।